लॉकडाउन के बाद मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरा काम चले तो थोड़ा रोटी खाने के लिए मिल जाए बुढ़ापा में, दो वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत है, थोड़ा मेरा काम चल जाए, मेरा भगवान से यही। गाइस मैं इन लोगों से प्रॉमिस करके आया हूँ कि बाबा की तरह आप इन लोगों को भी उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि इन लोगों की कुछ मदद हो पाए, प्लीज़। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल G22 एक्सप्लोर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको बाबा जैसे और भी लोगों से मिलाऊंगा जिनको इस कोरोना काल में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। वैसे ही आज मैं एक कपल के पास आ गया हूं जिनका बिजनेस कोरोना काल की वजह से चल नहीं पा रहा है और इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी है दो वक्त की रोटी खाने में भी। हम इनसे बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जगह है मालवी नगर शिवालिक रोड बी ब्लॉक में। आप सामने देख सकते हैं डिग्निटी सैलून है। चलिए गाइस अब आपको अंकल आंटी से मिलाते हैं और जानते हैं उनको इस कोरोना काल में क्या प्रॉब्लम आई है। अंकल आप हमारी ऑडियंस को बताइए और इस समय जो भी वीडियो जाएगी तो बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और आपकी मदद कर पाएंगे। आप पहले बताइए कि आपको इस कोरोना में क्या प्रॉब्लम आई है। सर मैंने यहाँ 40 साल रहते हो गया और 1 साल से इस कोरोना में हमें बहुत परेशानी है कि सुबह से शाम तक मैंने बैठा हूँ, अभी तक 10-20 रुपया का भी काम नहीं किया हूँ और खाने की इतना दिक्कत हो गया, रहने की इतना दिक्कत है कि मैं फूट फाट पर ही सोता हूँ, बहुत दिक्कत है रहने के लिए। ये सब सारी समस्याएं हैं हमारे पास। अंकल जी ऐसे बता रहे हैं सुबह से कुछ नहीं बिका है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आंटी रोज़ ब्रेड पकौड़े बनाती है, अंकल रोज़ ब्रेड पकौड़े बनाते हैं और ये ब्रेड पकौड़े बिकते नहीं है तो रोज़ फेंकने पड़ते हैं, बट अंकल आंटी रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बिक जाए। अंकल ने सुबह से ब्रेड भी ला के रखी है, अंकल ब्रेड ऑमलेट ही बनाते हैं, सुबह से ब्रेड ला के रखी है, ब्रेड अभी तक खुली नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अंकल आंटी पे सोने के लिए या रहने के लिए नहाने के लिए भी जगह नहीं है तो अंकल आंटी यहीं पर नहाते हैं, यहीं पर आंटी भी नहाती है खुले में और ऐसे ही अंकल आंटी रहते हैं। चलिए सुबह से आंटी का कुछ बिका नहीं है तो हम अब आंटी से आंटी के हाथ का ऑमलेट खा के देखते हैं। आइए आंटी हमारे लिए एक ऑमलेट बना दीजिए। अगर आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज G22 एक्सप्लोर या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि आप नहीं तो कोई और इन लोगों की मदद कर पाए। गाइस हमने आंटी से ऑमलेट बना लिया है, ऑमलेट बहुत टेस्टी लग रहा है, हम इस ऑमलेट को भी खाएंगे, फिनिश करेंगे, बट उससे पहले मैं अंकल से पूछना चाहूँगा कि अंकल इस वीडियो को अगर हजारों लोग देखेंगे या और लोग देखेंगे तो अंकल क्या चाहते हैं, उन लोगों से क्या मदद चाहते हैं, अंकल से जानते हैं। आइए सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरा काम चले ना और मैं दो वक्त का रोटी खा सकूँ। सुबह से शाम तक बैठा हूँ ना, अभी तक 10-20 रुपया का काम नहीं किया हूँ सर ना, और रहने का भाई इतना दिक्कत है, इतना प्रॉब्लम है कि मत पूछिए कि मैंने रोड पर फुटपाथ पर सोता हूँ ना और यही गुजारा करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा विनती करके कि मेरा जो है ना दो वक्त का रोटी मिल जाना चाहिए, हमारे यहाँ ग्राहक आवे ना, हमारा सामान बिके जिससे हमें रोटी मिले। गाइस मैं अपनी तरफ से आपसे बस यही अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आइए। मैंने आपको यहाँ का एड्रेस बता दिया, ये रोड है, ये है मालवी नगर शिवालिक रोड बी ब्लॉक, अंकल आंटी यहाँ पर ही बैठते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास आइए, इनका सामान खाइए और इनकी कुछ मदद कीजिए। और जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते वो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जो यहाँ तक आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनकी कुछ मदद कीजिए। थैंक यू गाइस।